ये बंद किया, क्या मांगे आप लोग? माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइन आया कि जो एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं वही सिर्फ लैब चला सकते हैं, जबकि पूरे सरकारी तंत्र से लेकर के गैर सरकारी तंत्र तक जहां भी लैब चल रहा है वहां पे टेक्नीशियन डीएलएमटी एमएलटी यही सब काम कर रहे हैं। तो मानिए कि जो है जब सरकार अपने यहाँ अलाउ कर रही है कि आप जो है काम करने योग्य हैं, तो प्राइवेट वालों को क्यों बंद कराया जाएगा? इसके ही विरोध में हम लोग आज 6 से 13 तक बंद और प्रदर्शन कर दो तरह की क्या नाम सरकार की मनी और ये भी रवैये के विरुद्ध हम लोग एकत्रित होकर के ये 8 दिन की बंदी की घोषणा हम लोग किए हैं। पूरा यूनियन भोजपुर साथ साथ बिहार के भी संस्था है। हमारे कहने का मतलब है कि कहीं भी आप जाइए पीएचसी लेकर के सदर हॉस्पिटल तक पूरे बिहार में एमबीबीएस एमडी पैथो से जो स्पेशलिस्ट है वो कहीं भी जांच की प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन सरकार की नीति और सरकार के दबाव में हम लोगों पर ये अतिक्रमण किया जा रहा है कि आप लोग क्यों करते हैं, जबकि हम लोग भी जिस प्रक्रिया में यहाँ सदर हॉस्पिटल की परंपरा चलती है सब प्राइवेट वाले वही करते हैं। हम लोगों का मांग है कि भाई एमबीबीएस के द्वारा ये मतलब कि आप लोगों पर यह किया गया है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आगे हम लोग ये अपना 8 दिन का बंदी का आह्वान करते हुए पूरे स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ हम लोग जाएंगे, जिले के सभी लेबोरेटरी सभी लेबोरेटरी पूरे जिले के सभी लेबोरेटरी बंद है और 8 दिन तक बंद रहेगा 13 तारीख तक। हम लोग ये देख रहे हैं कि 13 तारीख को कुछ समीक्षा है हाईकोर्ट में इसके संबंध में, वहाँ जो निर्णय होती है उसके उपरांत हम लोग और कार्यवाही अपना आगे बढ़ाएंगे। पर्चे बता दीजिए। ओम प्रकाश सिंह, मोदी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।